इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल रिले के बारे में, जो कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस अल्टरनेटर जनरेटर में यूज़ होती है। डायरेक्शनल रिले में भी डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले और डायरेक्शनल ओवरकरंट रिले आती हैं। एक डायरेक्शनल एलिमेंट ऐड करके हम इस रिले को बनाते हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिले ऑपरेट होती है, लगाई जाती है। नॉन डायरेक्शनल रिले जो है हमारी सोर्स की तरफ लगाई जाती है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। व्हाट इज़ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल रिले, इन दोनों के ANSI कोड क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शनल एंड ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल रिले यूज़ क्यों होती है एग्जाम्पल के साथ, और वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन क्या होता है डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का। हमने अपने टाइप्स ऑफ रिले वाले वीडियो में ये सारे टाइप्स के वो डिस्कस की हैं वन बाय वन। अभी हम डायरेक्शनल रिले पे पहुँचे हैं, ये को शुरू कर लेते हैं। हमारी नॉन डायरेक्शनल रिले, ये है हमारी डायरेक्शनल रिले। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के पीछे लग रहा है ओवर करंट रिले, तो पहले ओवर करंट रिले का फंक्शन समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। देखिए, अगर हम रिले में कोई भी फॉल्ट आता है, चाहे वो अर्थ फॉल्ट हो चाहे वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो, लेकिन एक प्री सेट वैल्यू जो हमारी पिकअप वैल्यू होती है वहाँ तक अगर हमारा करंट पहुँचता है तो ये ओवर करंट रिले ऑपरेट होती है। एक वैल्यू के बाद में हमारे सिस्टम में मतलब करंट की वैल्यू इतनी एक्सीड ना हो जिसकी वजह से हमारा सिस्टम हार्म हो, तो उसको बचाने के लिए हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे सिस्टम में 20 एम्पियर हमने सेट कर दिया कि इसके ऊपर जाते ही हमारी रिले ट्रिप करनी चाहिए, अगर वो वैल्यू हमारी 22 एम्पियर 21 एम्पियर आ गई तो यहाँ पर रिले ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि करंट की क्या डायरेक्शन है। मतलब अगर हमारा यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे हमारा कोई लोड लगा रखा है, तो फॉल्ट अगर यहाँ पे कहीं पे आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन चाहे किसी भी तरफ हो तो यहाँ पर ये रिले ऑपरेट करने वाली है। यहाँ पे अगर रिले लगी है तो ये रिले ऑपरेट करने वाली है। लेकिन डायरेक्शनल के केस में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्शनल के केस में अगर हमने यहाँ पर कोई डायरेक्शनल रिले लगाई है और अगर करंट इस तरफ आ रहा है तो ये ऑपरेट नहीं करेगी। अगर डायरेक्शन में कोई फॉल्ट की वजह से करंट इस तरफ हो गया, जो भी हमने डायरेक्शन सेट करी है, तो क्या करेगा, ये रिले ऑपरेट करेगी। इसलिए क्या होता है, जो डायरेक्शनल रिले हमेशा लोड की तरफ लगाई जाती है ना कि सोर्स की तरफ। नॉर्मल ओवर करंट रिले होती है वही होती है हमारी नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, मतलब कि विदाउट एनी डायरेक्शन। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किधर की भी डायरेक्शन हो तो रिले ऑपरेट करेगी। बट डायरेक्शनल ओवर करंट में हम एक डायरेक्शनल एलिमेंट ऐड कर देते हैं इसमें, जिसकी वजह से हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिले ऑपरेट करने लग जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ANSI कोड ऑफ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल रिले। की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि एक ग्लोबली किसी भी फॉल्ट को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो वो ग्लोबली एक इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट रिले को हम बोलते हैं 67 से डिनोट करते हैं, और नॉन डायरेक्शनल को 67NC से डिनोट करते हैं। ये इनके ANSI कोड है। कभी कभी रिले में केवल ये कोड भी लिखे हुए आते हैं, जिससे हमें पहचानना पड़ता है कि ये हमारा रिले का फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शनल एंड ओवर करंट रिले। देखिए, ओवर करंट रिले और नॉन डायरेक्शनल रिले दोनों सेम होते हैं, तो जो डिफरेंस डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के बीच में है वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, डायरेक्शनल और ओवर करंट के बीच में। कभी कभी इंटरव्यू में ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से ओवर करंट रिले द ड्राइविंग टॉर्क इज डेवलप्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटिंग करंट ऑफ द सर्किट गिवन थ्रू अ CT। मतलब जो हमारा ओवर करंट रिले है उसमें जो हम CT लगाते हैं वो CT के थ्रू ही हमें जो हमारा करंट की वैल्यू चल रही होती है प्राइमरी में, उसी के हिसाब से CT में कन्वर्ट होके आता है। मान लीजिए कि 100/1 की अगर CT लगी है, तो अगर इधर 50 एम्पियर फ्लो हो रहा है प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में 0.5 एम्पियर आएगा, और वो 0.5 एम्पियर जो हमने रिले में करंट सेटिंग कर रखी होगी उसके हिसाब से हमारा ओवर करंट ऑपरेट करता है। अगर हमारा 0.4 पे हमने सेटिंग कर रखी है तो 0.5 आया तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। बट इन केस ऑफ डायरेक्शनल ओवर करंट रिले द ड्राइविंग टॉर्क इज डेवलप्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सर्किट। मतलब कि इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो केवल करंट है, बट जो डायरेक्शनल में होता है हम वोल्टेज भी यूज़ करते हैं। द रिले ऑपरेट्स व्हेन करंट एक्सीड्स अ प्री डिटरमिंड वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जैसा कि अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डायरेक्शनल रिले इज़ यूज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो हमारी डायरेक्शनल ओवर करंट रिले वो वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे कहीं हमारे
दो पैरेलल करंट पाथ होते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है। ये है हमारा एक करंट पाथ और ये है हमारा दो करंट पाथ। और कहीं भी अगर दो सोर्सेज भी होते हैं, कभी कभी इस एंड पे भी सोर्स होता है, इस एंड पे भी सोर्स होता है, तो भी वहाँ पर डायरेक्शनल रिले यूज़ करनी चाहिए। और वो क्यों, वो इस एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये एक हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, एक ये ट्रांसमिशन लाइन है, और ये दोनों एक लोड को फीड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे चार ब्रेकर लगे हैं, बी सी ई एफ, और इन सब में हमारी ओवर करंट रिले लगी हुई है अभी। ओके, तो अब मान लीजिए यहाँ पे आया फॉल्ट, किसी भी कंडीशन में फॉल्ट आया तो होगा क्या। नॉर्मल कंडीशन में जो करंट की डायरेक्शन है वो ये रहने वाली है दोनों तरफ, लेकिन अगर हमारा यहाँ फॉल्ट आया तो यहाँ से सर्किट ब्रेक होगा। इधर से तो डायरेक्शन ये रहेगी, लेकिन यहाँ से जो करंट घूम के आ रहा है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स। नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा ब्रेकर पे, इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारी कोई वैल्यू सेट है, कोई प्री डिफाइंड वैल्यू हमारी सेट है रिले में, उसके ऊपर ये करंट जाने वाला है क्योंकि फॉल्ट आया है बड़ा, तो ये चारों ब्रेकर ट्रिप होंगे, ई एफ बी और सी, क्योंकि यहाँ से भी सर्किट पूरा थ्रू ही है, कोई भी इसमें डायरेक्शनल प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की है, ओवर करंट दोनों लाइन में हमारा इफेक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में हमारा लोड डिस्टर्ब हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पर जो ब्रेकर है सी और एफ, यहाँ पर हमने डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हमने यूज़ करी हुई है। अब क्या हुआ, यहाँ से फॉल्ट आया। अच्छा, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले में भी हम एक डायरेक्शनल डिफाइन करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में हमें अपने सिस्टम को बचाना है। इसमें एक फेज एंगल से डिफाइन होती है डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमें ये डिफाइन कर दिया कि हमें इस अगर इस डायरेक्शन में हमारा कोई फॉल्ट करंट आता है तो यहाँ पे ये रिले हमारी ऑपरेट करनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ कहीं फॉल्ट आता है, यहाँ पे अगर पी पॉइंट पे फॉल्ट आया है, तो यहाँ पे यूँ नॉर्मल कंडीशन में डायरेक्शन है, बट यहाँ से डायरेक्शन है जो वो यूँ आएगा घूम के, जिसकी वजह से ये वाला ब्रेकर ट्रिप होगा और ये वाला भी ब्रेकर ट्रिप होगा, क्योंकि ओवर करंट यहाँ भी इफेक्ट करने वाला है। तो कहने का मतलब यह है ये दोनों ट्रिप होंगे, बट ये वाली लाइन हमारी हेल्दी रहने वाली है, इस लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा लोड कंटिन्यू रन करता रहेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट आता है, अब ये वाला फॉल्ट नहीं है, ये नॉर्मल है एकदम, तो होगा क्या, जब यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो यहाँ से एक वैल्यू करंट की घूम के यूँ आएगी, जिसकी वजह से ये वाली रिले ऑपरेट होगी और ये वाली लाइन इफेक्ट होगी, बट ये वाली लाइन हेल्दी रहेगी। तो दोनों केसेस में हमारे इस और इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल ओवर करंट रिले लगानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा एक सर्किट एटलीस्ट बचेगा। नाउ व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज। देखिए, ये जो हमारी डायरेक्शनल ओवर करंट रिले है, इसमें एक एलिमेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल एलिमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक ये है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है, इसको हम बोलते हैं अपर और इसको हम बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिमिलरली जो हमारा ओवर करंट एलिमेंट है, मतलब कि नॉन डायरेक्शनल में भी एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है। ये जो है हमारा ट्रिप सर्किट को हमारी रिले ये कमांड जाती है, जिसकी वजह से हमारा सर्किट ब्रेकर जो आगे लगा है वो ट्रिप होता है। मतलब कि जो हमारी मेन कमांड जाएगी वो जाएगी हमारी ओवर करंट एलिमेंट से ही, नॉन डायरेक्शनल से ही जाने वाली है। ये एक डिस्क होती है, एल्युमिनियम डिस्क, जब ये मूवेबल होती है, ये ऑपरेट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं, NO का NC बनता है, जिसकी वजह से ये ट्रिप सर्किट को जाता है और रिले एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद में ये सर्किट ब्रेकर को कमांड जाती है ओपन होने की। लेकिन उससे पहले ये जो ट्रिप सर्किट को कमांड जाता है, उससे पहले जो हमारा ये जो डायरेक्शनल एलिमेंट है वो ऑपरेट होता है, तभी तो इसका पर्पस है। जब डायरेक्शनल एलिमेंट ऑपरेट ही नहीं होगा तो कोई पर्पस ही नहीं है हमारा ये डायरेक्शनल एलिमेंट देने का। अच्छा, इसमें एक PT के लिए यहाँ से एक सप्लाई जाती है, एक कॉइल होती है हमारी ये वाली जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे है, एक कॉइल होती है हमारी ये वाली, इसमें जो सप्लाई आती है वो आती है PT के थ्रू, जो हमारे लाइन PT होती है उसके थ्रू हमारी सप्लाई होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। सिमिलरली ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें जो कॉइल है, यहाँ से CT के थ्रू हमें सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे 1 और 2, ये होता है NO का NC। यहाँ पे PT से सप्लाई देने का जो पर्पस है, वोल्टेज इसलिए है ताकि हमें करंट की डायरेक्शन पता चल सके। अगर हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस कहीं है, जहाँ पे हमें पता है कि हमारा वोल्टेज यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो हमें इजीली पता चल जाएगा हमारी करंट की डायरेक्शन अभी यहाँ चल रही है, इसलिए ये PT से सप्लाई लेते हैं।
सिमिलरली जब यहाँ पर कॉन्टैक्ट चेंज हो जाता है, एनसी हो जाता है, उसके बाद हमारा ये दोनों कॉइल एक्टिव होती हैं। तब ये दोनों कॉइल एक्टिव होने के बाद में ये जो एल्युमिनियम डिस्क है ये मूवेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो ये जो कॉन्टैक्ट है एनओ का एनसी होता है और हमारा ब्रेकर ट्रिप करता है। ये है प्रिंसिपल डायरेक्शनल रिले का। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।